नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हाल ही में जो ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है उसके लिए हम मैथ का क्रेश कोर्स लेकर आए हैं, जिसमें हम पहले अर्थमेटिक पढ़ेंगे, उसके बाद एडवांस पढ़ेंगे। ठीक है, तो अर्थमेटिक में जो हम सबसे पहले जो चैप्टर है हमारा वो टाइम एंड वर्क का है, तो हम सबसे पहले टाइम एंड वर्क पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें टाइम एंड वर्क में तो काफ़ी टाइप है। ठीक है, तो इसमें हम पहला टाइप पढ़ रहे हैं, उसके बाद नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला टाइप हमारा क्या है, पहला क्वेश्चन है, पहले टाइप में हमारा एक क्वेश्चन जो है, ये किसी कार्य को 10 दिन में करता है और भी उसी कार्य को 15 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, तो जितने भी हम क्वेश्चन करेंगे सब में छोटे से छोटा जो मेथड होगा वही अप्लाई करेंगे हम। ठीक है, तो इसमें हम सॉल्व करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, ए ये करता है 10 दिन में और बी करता है 15 दिन में, तो इसका हम लेंगे एलसीएम यानी लासा लेंगे, तो इसका हो जाएगा हमारा 30। इसमें हम क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें 3 से। ठीक है, तो यहाँ से निकल आया ए का 1 दिन का कार्य यानी 3 है और बी का 1 दिन का कार्य 2 है। ठीक है, टोटल कार्य कितना हमारा 30 है, तो 1 दिन में ये और बी कितना कार्य करेंगे, तो ए का 3 है और बी का 2 है, तो 1 दिन में कितना हो जाएगा इन दोनों का, ए प्लस बी का इनका हो जाएगा 3 और 2 5 हो जाएगा। 1 दिन में 5 काम करते हैं और टोटल हमारा काम कितना है, 30 काम है, तो यहां से हम निकालेंगे तो 30 को हम क्या कर देंगे, 5 से भाग कर देंगे, तो यहां से हमारा निकल आ जाएगा 5 × 5 = 30 यानी 6 दिन में क्या हो जाएगा, हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यहां से हमारा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन हमारा क्या है, ये और भी किसी कार्य को 15 दिन में करते हैं। ठीक है, ये और भी किसी कार्य को मिलकर, यहाँ पे है मिलकर है सॉरी, ये और भी किसी कार्य को मिलकर 15 दिन में करते हैं। ठीक है, जबकि बी उस कार्य को अकेला 20 दिन में करता है, तो उसी ये अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। ठीक है, यहाँ से क्या कर लो, ये और भी किसी कार्य को मिलकर है। ठीक है, कार्य को मिलकर 15 दिन में करते हैं। ठीक है, कार्य को मिलकर 15 दिन में करते हैं, जबकि भी उसी कार्य को अकेला 20 दिन में करता है, तो ये अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। ठीक है, तो यहाँ से ये भी कर लो, जैसे पहला क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसी तरह इसको भी सॉल्व करेंगे, तो ए प्लस बी कितने दिन में कर रहे हैं, 15 दिन में कर रहे हैं, और भी अकेला उस कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में, तो इनका लासा क्या होगा, लासा इनका हो जाएगा 60, लासा इनका क्या हो जाएगा 60। तो यहाँ से हम इसमें 3 से कर देंगे, इसमें 4 से कर देंगे। अब इसमें क्या है, ये और बी दोनों मिलकर 1 दिन का कार्य इनका क्या है, 4 है, और बी का 1 दिन का क्या कार्य क्या है, 3 है। ठीक है, आप क्वेश्चन में देखिए, ये और बी दोनों जब मिलकर करते हैं तो 4 काम करते हैं, जिसमें बी क्या करता है, अकेला 3 काम करता है, तो ये का यहाँ से निकाल लेंगे, तो ये का हमारा कार्य निकलेगा 1 दिन का कार्य, 1 दिन, 1 दिन, ए का 1 दिन का कार्य क्या निकलेगा हमारा, 1, तो 60 टोटल काम हमारा क्या है, 60 टोटल काम जो हमारा है, 60 यानी कुल काम हमारा 60 है, तो 60 काम को पूरा ए कितने दिन में करेगा, तो 60 काम को ये कितने दिन में करेगा, 1 दिन का कार्य उसका 1 है, तो ये कितने दिन में करेगा, 60 दिन में, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन हमारा क्या है, रमेश सुरेश से 2 गुनी गति से काम करता है। ठीक है, रमेश सुरेश से 2 गुनी गति से काम करता है, यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं, तो रमेश अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। ठीक है, यहाँ से आप देख लीजिए, पहले क्या है, रमेश है, रमेश और सुरेश हैं, 2 लोग हैं, रमेश और सुरेश। ठीक है, क्या है इसमें, रमेश सुरेश से 2 गुनी गति से काम करता है, तो ये 2 हो जाएगा और इसकी
और ये इसका क्षमता यानी कार्य करने की क्षमता क्या है, रमेश दो करता है तो सुरेश क्या करता है, एक करता है। तो ये तो हो गई, ये तो हो गई इनकी क्षमता हो गई। अगर ज्यादा काम होगा तो कम समय में ज्यादा काम हो रहा है और ज्यादा समय में कम काम हो रहा है, ठीक है, ऐसा हो रहा है। इसमें जितने समय में रमेश दो काम कर लेता है उतने समय में सुरेश एक काम करता है, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा टोटल कार्य क्या है, दोनों मिलकर किसी कार्य को, तो दोनों की जो क्षमता होगी, दोनों की क्षमता रमेश आर प्लस एस की जो क्षमता होगी, कार्य क्षमता, क्षमता हो जाएगी इसकी, हो जाएगी 2+1 यानी 3 हो जाएगी, ठीक है। और जो हमारा कुल कार्य होगा कितने दिन में, 12 दिन में करते हैं, तो एक दिन में इनकी जो क्षमता है 3 है, तो 12 दिन में पूरा, जो 12 दिन में जो इनकी क्षमता है, एक दिन के जो कार्य करने की क्षमता इनकी 3 है, तो टोटल कार्य कितना रहा होगा, तो इसने 12 दिन में किया है, कितना कार्य रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे 12 × 3, यहाँ से हमारा कुल काम निकल जाएगा यानी 36, जो हमारा कुल काम कितना था 36, जिन्होंने, जिसमें क्या है रमेश और सुरेश मिलकर क्या किए हैं, इसको, इस काम को पूरा किए हैं, ठीक है, कितने दिन में, 12 दिन में। तो इस 36 काम को अब पूछ रहा है रमेश कितने दिन में करेगा, रमेश कितने दिन में पूरा करेगा, तो आप यहाँ से देख ले रमेश का जो काम करने की क्षमता है वो 2 है, ठीक है, एक दिन में कितने काम करेगा, 2 काम करेगा, और ये सुरेश एक दिन में क्या करता है, एक काम करता है, तो एक दिन की उनकी जो क्षमता आई थी 3 आई थी, ठीक है। तो 12 दिन में तो टोटल काम कितना था, 36 हमारा यहाँ निकल आया, तो यहाँ 36 को हम क्या कर देंगे, 2 से, 36 को हम 2 से यानी क्षमता, रमेश की क्षमता निकाल रहे हैं ना, रमेश उसको कितने दिन में करेगा, रमेश यहाँ से यहाँ हो जाएगा आपका 18, तो रमेश का जो हमारा कार्य हो जाएगा 18 दिन आ जाएगा, कि 18 दिन में रमेश उस कार्य को कंप्लीट कर देगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा था है इसमें क्या है, ये अकेला किसी कार्य को 18 दिन में, भी उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, ठीक है। तो इसमें भागने वाला सवाल है, भागने वाला क्वेश्चन है, तो बी अकेला 10 दिन तक कार्य करके, जो भी क्या है वो 10 दिन तक कार्य करता है, ठीक है, 10 दिन तक कार्य करता है, उसके बाद चला जाता है, तो जो कार्य बचा हुआ है, जो कार्य बचा हुआ है, ये अकेला इसे कितने दिन में करेगा, ठीक है, ये अकेला कितने दिन में करेगा, इस काम को अकेला कितने दिन में करेगा, ठीक है, ये आपको बताना है। जैसे कोई काम चल रहा था, उसने क्या है, उस काम को बी ने स्टार्ट किया और उसे 10 दिन तक किया, उसके बाद काम खत्म होने से पहले वो वहां से चला गया, तो जो बचा हुआ काम है वही कह रहा है कि ये कितने दिन में करेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम सबसे पहले निकाल लें, ए का ये 18 दिन में करता है और बी 15 दिन में करता है, ठीक है, तो यहाँ से इनकी क्षमता निकाल लेते हैं, इनकी क्षमता निकालेंगे, तो यहाँ से इनका लासा क्या होगा, लासा हमारा हो जाएगा इनका 90, लासा कितना हो जाएगा 90, 18 × 5 = 90 और ये 15 × 6 = 90, ठीक है। तो ये का जो कार्य करने की क्षमता है, एक दिन में वो 5 काम कर सकता है और भी एक दिन में 6 काम कर सकता है, तो उसने 10 दिन तक काम किया, तो बी का 10 दिन का कार्य क्या हो गया, हो जाएगा 10 दिन का काम क्या होगा, काम हो जाएगा 6 × 10 यानी 60 काम वो करके चला गया, तो बचा कार्य कितना हो जाएगा, 90 में से 60 को घटा दो, यहां से 90 में से 60 को घटा देंगे, कितना बचेगा हमारा 90 − 60, 30 काम हमारा क्या है बच रहा है, अभी ही 30 काम को ए को करना है, इसी 30 काम को क्या करना है, ए को करना है, तो ए की जो क्षमता है एक दिन में 5 काम करता है, तो 30 काम को कितने दिन में करेगा, तो यहां से हम निकालेंगे ए, तो ये 30 को हम क्या कर देंगे 5 से भाग कर देंगे, और ये जगह 5 × 5 और ये 6, यहां से हमारा निकल जाएगा 6 दिन, तो जो हमारी ये
कितने दिन में कर देगा? ए, ये 6 दिन में उस काम को, जो बचा हुआ कार्य है उसको क्या कर देगा? समाप्त कर देगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट टाइप और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं।